गाइस तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनली छह दशमलव आठ के सवालों को और सवाल नंबर सात तक तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था तो आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर आठ से तो सवाल नंबर आठ में से चार सवाल हैं ए बी सी डी करके दिया गया है ठीक तो जिसमें से सवाल नंबर आठ का ए नंबर सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है एक वक्र है जस्ट वन स्केंड तो यहाँ पर सवाल में लिखा है कि एक वक्र है वक्र कितना है यक्स बराबर में ए टी स्क्वायर और वाई बराबर में टू ए टी के बिंदु टी पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए ठीक तो ये इसका समीकरण आपको ज्ञात करना है तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे देखो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर जो वक्त दिया, दिया गया है वाई बराबर में टू एटी दिया गया है इसका सबसे पहले हमें यहाँ पर औकलन निकालना है औकलन हम लोग यहाँ पर क्यों निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें डिवाई बाई डी की वैल्यू चाहिए क्योंकि तो जो अविलंब का समीकरण होता है वाई माइनस वाई वन बराबर में माइनस का एक बटे में एम और उसके बाद में यक्स माइनस एक्स वन होता है ठीक अब यहाँ पर जो हमारा एम होता है यही हमारा होता है डीवाई बाई डी एक्स होता है तो डीवाई बाई डी एक्स तो जब तक हम लोग इसका औकलन नहीं करेंगे तब तक हमें यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स नहीं मिलेगा ठीक तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यक्स का औकलन करेंगे टी के सापेज ठीक तो जिसका औकलन करते हैं उसके आगे डी लगा देते हैं जैसे यक्स का किया तो डीएक्स हो गया अब जिसके सापेक्ष करेंगे बटिंग उसको डी टी करके लिख देना ठीक तो यानी कि अब यहाँ पर हम लोग टी के सपेज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा और यहाँ पर टी स्क्वायर का हो जाएगा टू टी हो जाएगा ठीक तो टू आगे लिख देते हैं टी यहाँ पर लिख देते हैं ठीक इसी तरीके से इधर करेंगे वाई का औकलन करेंगे किसके सपेज यहाँ पर टी के सफेज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू ए और यहाँ पर टी का हो जाएगा हमारा सिंपल सा एक हो जाएगा ठीक तो अब यहाँ पर हमें डीवाई बाई डी एक्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो डीवाई डी वाई बटे में डी टी है और यहाँ पर डी एक्स बटे में डी टी है इन दोनों को आपस में भाग कर देते हैं ठीक क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें मिल जाए यहाँ पर हमें डीएक्स बटे में डी टी ठीक तो यहाँ पर भाग करेंगे तो जाएगा डी एक्स बटे में डीटी हो तो जाएगा भाग करने का मतलब बटा में ठीक अब देखो इस डी से डी टी कैंसिल हो जाएगा क्यों कैंसिल होगा देखो जब बटा के नीचे बटा हो तो फिर क्या होता है पहले वाला नंबर का जो होता है वो तीसरे वाले नंबर से कटता है और जो दूसरा वाला होता है वो चौथे वाले नंबर से कटता है ठीक तो जैसे यहाँ पर डी टी दूसरे स्थान पर था और डी टी नीचे यहाँ पर चौथे स्थान पर है इससे ये कैंसिल हो जाएगा ठीक अगर कट रहा है तो काट दो नहीं नहीं काटना ठीक तो यहाँ पर बचेगा हमारा डीवाई बाई डी एक्स बचेगा ठीक इससे कैंसिल हो जाएगा बहुत सिंपल सा तरीका है एक बटे में यहाँ पर टी आ जाएगा सिंपल सा किसका डीवाई बाई डी एक्स के वैल्यू अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको पलट देंगे तो अब यहाँ पर यह आ गया हमारा एम का वैल्यू आ गया ठीक तो अब हमें यहाँ पर चाहिए अविलंब का वैल्यू ठीक तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अविलंब का अभिलंब का प्रवणता हमें अभिलंब का प्रवणता चाहिए और अभिलंब का प्रवणता क्या होता है ये होता है माइनस में एक बटा एम तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक बटे में एम एम के स्थान पर आया क्या हमारा एक बटे में टी आया ठीक अब ये बटा के नीचे बटा होता है तो पलट जाता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक बटे में एक और टी सबसे नीचे था ये सबसे ऊपर हो जाएगा टी बटे में हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा अभिलंब का प्रवणता तो यहाँ पर अभिलंब का प्रवणता तो आ जाएगा हमारा प्रवणता तो ये आ गया माइनस का टी आ गया ठीक तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का टी आ गया तो ये देखो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का टी अब यहां पर हमें क्या चाहिए हमें यहाँ पर चाहिए अभिलंब का समीकरण तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अभिलंब का समीकरण ठीक तो अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा ये देखो सूत्र तो आप लोग जानते हैं कि वाई माइनस वाई वन बराबर में माइनस एक बटा एम होता है और उसके बाद यक्स माइनस यक्स वन होता है ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा देखो यहाँ पर जो यक्स का वैल्यू सवाल में दिया गया है एटी तो का स्क्वायर और वाई बराबर में दिया गया है टू एटी दिया हुआ ठीक तो यह हमारा यक्स वन हो जाएगा ये हमारा वाई वन हो जाएगा ठीक हम लोग यक्स वन और वाई वन के स्थान पर इसको रखते हैं ठीक तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा वाई माइनस वाई वन के स्थान पर टू एटी रखना है और बराबर में माइनस एक बोटा एम इसके स्थान पर आया माइनस का टी आया ठीक तो उसके बाद यक्स माइनस यक्स हमारे पास कितना है ये है ए का स्क्वायर है ठीक तो अब हम लोग क्या करेंगे आ, इसको अंदर से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा वाई माइनस टू एटी हो जाएगा बराबर में माइनस टी से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस टी एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए टी का पावर थ्री हो जाएगा ठीक क्योंकि टू था ए टी से और गुण का दे तीन गया ठीक तो यहाँ पर हम लोग माइनस uh, में टी एक्स जो है इसको वाई की तरफ भेज देंगे और यहाँ पर जो टू ए टी है इसको हम लोग ए टी क्यूब इसकी तरफ भेज देंगे ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई बराबर में टी एक्स हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, cube, में हो जाएगा ए टी का क्यूब प्लस में ये हो जाएगा हमारा टू ए टी हो जाएगा ठीक तो यही हमारा आंसर हो जाएगा आई होप आप समझ गए होंगे इस तरीके से आपको इसका अविलंब का समीकरण निकालना था ठीक तो ये हो जाएगा हमारा आंसर चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर सी तो सवाल नंबर सी देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आ, एक वक्र है वक्र क्या है यक्स बराबर में, में साइन थीटा इसका बिंदु क्या है आ, इसका इसका बिंदु थीटा पर अभिलम का समीकरण ज्ञात कीजिए ठीक तो अब यहाँ पर सिंपल से हम लोग क्या करेंगे जस्ट वन सेकेंड देखो सवाल नंबर आपका ये जो अभी मैंने इसके पहले बताया ये आपका सवाल नंबर बी है और ये जो बताने जा रहे हैं आपका सवाल नंबर सी है वो रह गया सवाल ठीक तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या है हमारा वक्र है यक्स बराबर में थीटा और वाई बराबर में साइन थीटा ठीक तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यक्स बराबर में थीटा और इधर वाई बराबर में लिखा हुआ है हमारा थीटा हम लोग यहाँ पर यक्स का औकलन करेंगे, करेंगे थीटा के सापेक्ष और इसमें करेंगे वाई का औकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष ठीक तो यस का औकलन करने जा रहे हैं तो डी एक्स लिखेंगे बट्टे में किसके सापेक्ष करने जा रहे हैं थीटा तो डी डी थीटा लिखेंगे ठीक और और उसके बाद कॉस थीटा का जो आंकलन होता है वो माइनस में साइन थीटा होता है ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा डी वाई वाई डी थीटा ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस उसके बाद आपका sin हो जाता है साइन थीटा का औकलन हो जाता है हमारा कॉस थीटा सिंपल सा ठीक हमें चाहिए वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बटे में थीटा बटे में इन दोनों को मतलब भाग कर देंगे ठीक तो यहाँ पर जाएगा डी एक्स बटे में डी थीटा हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर डी थीटा डी थीटा कट जाएगा जैसे इसके पहले वाले सवाल में हुआ ठीक तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारा डी वाई ऊपर बचेगा नीचे बचेगा डी एक्स बचेगा अब यहाँ पर क्या था आपका डी वाई बटे में डी थीटा का वैल्यू था कॉस थीटा और, और... यहाँ पर डी एक्स बटे में डी थीटा का वैल्यू था माइनस में साइन थीटा ठीक तो ये हमारा बचेगा जो आएगा हमारा तो आ गया यहाँ पर डी वाई बटे में डी एक्स बराबर में माइनस का थीटा बटे में साइन थीटा आ गया ठीक अभी आ गया अब देखो इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अभिलंब का ठीक तो ये ये तो आ गया हमारा एम का वैल्यू अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर अभिलंब का प्रवणता ठीक तो यहाँ पर के लिखेंगे अभिलम्ब का

तो अविलंब का प्रवणता हमारा कितना हो गया अविलंब का प्रवणता हो गया यहाँ पर साइन थीटा बटे में थीटा आ गया ठीक अब पर हम लोग निकालेंगे अविलंब का समीकरण यहाँ पर हो जाएगा हमारा अविलंब का समीकरण तो अविलंब का समीकरण क्या हो जाएगा देखो सूत्र होता है वाई माइनस वाई वन बराबर में माइनस एक बटे में एम और यस माइनस यक्स वन होता है ठीक तो यहाँ पर सिंपल सा वाई बराबर हमारा सवाल में खुद दिया गया है अः यहाँ पर आपका दिया गया है साइन थीटा और uh, यक्स बराबर में दिया गया है यहाँ पर कॉस थीटा ठीक तो यहाँ पर यह हमारा यक्स वन हो जाएगा ये हमारा वाई वन हो जाएगा तो सिंपल सा वाई माइनस वाई वन के स्थान पर हमारा साइन थीटा हो जाएगा और बराबर में uh, माइनस एक बटाइम के स्थान पर हमारा आया है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा आ गया ठीक बराबर उसके बाद सॉरी यक्स ब्रेकेट हो जाएगा यक्स माइनस यक्स वन हमारा हो जाएगा कॉस थीटा ठीक तो हम लोग सिंपल सब लोग साइन को तिरियक भेज देते हैं ठीक साइन को सिर्फ भेजना है यहाँ पर तिरियक यहाँ पर जाएगा वाई बटे में साइन थीटा, थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा बटे में नीचे साइन थीटा हो जाएगा ठीक इस साइन थीटा को हमने यहाँ पर भेज दिया यहाँ पर जो कॉस थीटा बटे में है इसको अंदर से गुणा कर देते हैं तो जाएगा यक्स बटे में कॉ थीटा माइनस में कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा ठीक तो थीटा यहाँ पर साइन साइन कर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा सिंपल सा वाई बटे में साइन थीटा बचा है, है माइनस में एक बचा है बराबर में यहाँ पर यक्ष बटे में कॉस थीटा है उसके बाद माइनस में एक इधर बचा है ठीक देखो यहाँ पर माइनस सिक्स माइनस एक्ट कैंसिल हो जाएगा क्यों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो अगर बराबर के इस पर और बराबर के उस पर अगर सेम संख्या है तो कट जाएगा लेकिन ध्यान रहे वहां पर उनका चिन्ह भी सेम होना चाहिए अगर प्लस में है तो प्लस में होना चाहिए अगर माइनस में है तो माइनस में होना चाहिए ठीक तो यहाँ पर तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर हमारा सिंपल हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा वाई बटे में साइन थीटा और यहाँ पर बराबर हो जाएगा हमारा यक्स बटे में कॉस थीटा आ गया ठीक साइन थीटा को हम लोग तिरक भेज देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बराबर में यक्स साइन थीटा हो जाएगा और बटे में हमारा हो जाएगा कॉस थीटा ठीक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई बराबर में यह हो जाएगा यक्स और साइन बटे में कॉस का मतलब होता है टैन थीटा हो जाएगा ठीक तो ये हो जाएगा हमारा टैन थीटा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा जो आ गया आंसर वो यक्स बराबर में टैन थीटा आ गया ठीक तो यही हमारा आंसर हो जाएगा आई होप आप समझ गए होंगे Uh, चलिए मैं आपको सवाल नंबर डी बता देता हूँ तो देखो सवाल नंबर आपको हम डी बता देते हैं उसके बाद सवाल नंबर आपको लास्ट में ए बता देंगे ठीक मतलब कि डी की ये डी नंबर सवाल पढ़ लें इसके बाद फिर हम आपको बता देंगे कि सवाल नंबर जो आठ का ए नंबर सवाल रह गया है ना उसको अभी देख लेते हैं तो पहले इसको देख लेते हैं अच्छा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना इसके बाद फिर देखते हैं उसको अब यहाँ पर क्या है ये बराबर में हमारा लिखा है कॉस थीटा कॉस टू थीटा है और यहाँ पर वाई बराबर में हमारा लिखा है साइन टू थीटा ठीक यहाँ पर लिखा है इस साइन टू थीटा द्वारा प्रदर्शित वक्र के लिए थीटा बराबर यहाँ पर मान दिया गया है आ, पाई बटे में आठ इस पर आपको अभिलंब का समीकरण निकालना ठीक सिंपल सा आ, आपको क्या करना है यहाँ पर इसका अवकलन करना है अवकलन कैसे करेंगे यहाँ पर भी आपको यक्ष का यहाँ पर थीटा की सफेद करना है ठीक तो यहाँ पर इसका ऑलन तो हो जाएगा डी थीटा बराबर में यहाँ पर देखो हो हो जाता है माइनस में साइन टू थीटा हो जाएगा और टू थीटा का दोबारा से होगा तो बटे यहाँ पर टू हो जाएगा ठीक सिंपल सी तरीके से यहाँ पर हमारा हो जाएगा तो यहाँ पर डी वाई बराबर में इसका हम लोग अलग करेंगे तो यहाँ पर टू थीटा बटे में इसी तरीके से गोड़ा में हो जाएगा दो हो जाएगा ठीक दोबारा होगा मतलब टू थीटा का तो ये हो जाएगा अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं अच्छा भाग क्यों करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स चाहिए ठीक तो डी थीटा बटे में हो जाएगा हमारा डी एक्स बटे में डी थीटा ठीक बराबर में डी वाई बटे में डी थीटा इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर ये यह है हमारा कॉस यानी कि टू है टू को कर दे ठीक यहाँ पर जो गुणा में है टू थीटा हो जाएगा और बटे में डी एक्स बटे में डी थीटा के स्थान स्थान पर हमारा माइनस का साइन यहाँ पर टू है और माइनस का साइन टू थीटा है ठीक तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा और थीटा से दर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा बचेगा डी वाई बटे में डी uh, बचेगा और बराबर में आ जाएगा माइनस में कॉस टू थीटा बटे में नीचे हो जाएगा हमारा हमारा थीटा ठीक यही एम का वैल्यू है ठीक अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे अभिलंब का अभिलंब का अभिलंब का, का प्रवणता ठीक तो अभिलंब का प्रवणता माइनस एम बटा एम होता है यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक बटे में एम का वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस का साइन कॉस टू थीटा और यहाँ पर साइन आपका पलट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन टू जाएगा ठीक माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिम्पल हो जाएगा माइनस में एक बटे में एम बराबर में यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन टू थीटा और बटे में यहाँ पर हो जाएगा कॉस टू थीटा ठीक चूंकि थीटा का सवाल सवाल में दिया गया है सवाल में दिया गया है इसका वैल्यू थीटा का वैल्यू आप पाई बटे में आठ तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर माइनस में एक बटा एम हमारा कितना हो जाएगा साइन टू इन टू में थीटा पाई बाई आठ हो जाएगा ठीक बटे में

तो जब भी आपको पाई बाई लग, पाई में कुछ लिखा हो तो उसको अगर आपको अंश में चेंज करना है तो आपको क्या करना है एक सौ अस्सी अंश बटे में पाई से गुणा कर देना ठीक इससे इसे कैंसिल करेंगे चार चौक सोलह चार पंच पैतालीस अंश आ गया ना तो साइन पैंतालीस अंश का मान होता है एक बटे में अंडर उ और यहाँ पर हो जाएगा नीचे ये भी कॉस्ट पैंतालीस अंश का मान भी वही वही होता है मतलब एक बटे में अंडर ठीक इससे कैंसिल हो जाएगा सिंपल से यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक वैल्यू आ जाएगा ठीक तो अब यहाँ पर आ गया हमारा इसका वैल्यू अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे अविलंब का प्रवणता अभिलंब का समीकरण निकाल लिया अब हम लोग यहाँ पर समीकरण निकालेंगे तो y माइनस वाई वन बराबर में सवाल में तो दिया गया है, है। कॉस टू थीटा है और वाई वन बराबर में हमारा क्या है साइन टू थीटा है ठीक थी? तो यहाँ पर रखेंगे तो हम लोग यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा साइन टू थीटा हो जाएगा बराबर में इसके स्थान पर हमारा एक आ गया उसके बाद यक्स माइनस इसके स्थान पर हमारा कॉस टू थीटा है ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई माइनस और यहाँ पर साइन टू यहाँ पर इंटू में न, थीटा का वैल्यू रख दो ठीक थीटा का वैल्यू पाई बाई आठ है तो यहाँ पर पाई बाई आठ बराबर में यक्स माइनस यहाँ पर जाएगा कॉस टू इंटू में आ, थीटा का वैल्यू पाई बाई आठ हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर इससे कैंसिल करेंगे चार बचेगा इससे कैंसिल करेंगे तो चार बचेगा ठीक यानी कि ये आ गया हमारा वाई माइनस में साइन पाई बाई फोर आ गया बराबर में यक्स माइनस और यहाँ पर आ गया हमारा कॉस पाई बाई फोर आ गया ठीक देखो यहाँ पर जाएगा वाई माइनस इसका भी वैल्यू एक बेटा अंडर रूट टू और यहाँ पर जाएगा यक्स माइनस इसका भी वैल्यू हमारा यहाँ पर एक बेटा अंडर रूट टू होता है ठीक दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे और दोनों का चिन्ह भी सेम है इसलिए वैल्यू भी सेम है और चिन्ह भी सेम है इसलिए हमें यहाँ यहाँ पर इसको काट दिए ठीक वरना ये न कटता तो यहाँ पर यस बराबर में सिर्फ यक्स बचा है बराबर में सिर्फ यस बचा है ठीक इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको अगर X को हम लोग उधर भेज दें तो यहाँ पर जाएगा वाई माइनस में जीरो ठीक तो आपका आपका जाएगा आई होप आप समझ गए होंगे चलिए मैं आपको सवाल नंबर आठ का ए नंबर बता देता हूँ ठीक तो देखो ये आपका सवाल नंबर आठ का यहाँ पर ए नंबर सवाल है तो यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट वन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वक रहे ये टी स्क् वाई बराबर में टू टी प्लस में वन इसका एक बिंदु है टी पर आपको अभिलंब का समीकरण याद करना है ठीक तो यहाँ पर सिंपल्स हम लोग यक्स बराबर में यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर ठीक और वाई बराबर में टू टी प्लस में वन लिखेंगे अब हम लोग इसका क्या करेंगे उसी तरीके से आकलन कर देंगे तो डी एक्स बटे में डी टी हो जाएगा टी के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू टी हो जाएगा और इधर हम लोग अगर करेंगे तो डी वाई बटे में डी टी हो जाएगा और बराबर में ये हो जाएगा सिंपल्स हमारा टू बचेगा ठीक अब हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं भाग करके ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में डी uh, एक्स बटे में डी टी हो जाएगा डी टी एस डी टी कैंसिल हो जाएगा बराबर में या डी टी की वैल्यू कितना है टू है और यहाँ पर डी एक्स बटे में डी टी की वैल्यू है यहाँ पर टू टी है ठीक इसे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर सिंपल हमारा टी बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी वाई बटे में डी एक्स और बराबर में आ जाएगा एक बटे में टी आ जाएगा ठीक अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा हमारा जस्ट जेस्ट देखो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सीधा प्रवणता ये हमारा एम का वैल्यू हो गया ठीक अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अभिलंब का प्रवणता तो ये हो जाएगा हमारा अभिलंब का प्रवणता तो अविलंब का प्रवणता यहाँ पर हमारा क्या होता है माइनस में एक बटे में एम होता है तो माइनस में और एक बटे में एम का वैल्यू क्या है एक बटे में टी हो जाएगा ठीक टी ऊपर हो जाएगा तो ये सिंपल हो जाएगा माइनस का टी हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे अविलंब का समीकरण अभिलंब का समीकरण तो अविलंब का समीकरण क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन बराबर में माइनस एक बटा एम हो जाएगा यक्स माइनस एक्स वन हो जाता है ठीक तो ये हो जाता है और यक्स बराबर में टी स्क्वायर दिया हुआ है तो यक्स वन हो जाएगा और वाई वन हमारा दिया गया है सवाल में यहाँ पर टू टी प्लस में वन दिया गया है ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस वाई वन के स्थान पर टू टी प्लस में वन करना रखना है ठीक बराबर में माइनस एक बटा इसके स्थान पर माइनस टी रखना है उसके बाद यक्स माइनस यक्स वन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर टी का स्क्वायर ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई माइनस में टू टी माइनस में वन हो जाएगा बराबर में इससे गुणा करेंगे तो टी एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टी का पावर तीन हो जाएगा ठीक इसको हम लोग इधर भेज देते हैं देखो माइनस जितने माइनस यहाँ पर सबको प्लस कर देना ठीक तो टी एक्स को इधर भेज देंगे बाकी इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे उधर भेज देंगे ठीक ताकि प्लस में सब हो जाए तो यहाँ पर जाएगा वाई प्लस में टी एक्स हो जाएगा बराबर में टी का पावर थ्री है ही है इधर और इधर जाएगा प्लस में टू टी हो जाएगा और प्लस में एक हो जाएगा ठीक तो ये हमारा एंसर हो जाएगा आई होप आप समझ गए होंगे बहुत सिंपल सा सवाल था तो आई होप आप समझ गए होंगे चलिए अब मैं आपको सवाल नंबर नौ बताता हूँ यानी सवाल नंबर नौ के सवालों को आपको कैसे सॉल्व करना है ठीक तो देखो ये आपका सवाल नंबर नौ और यहाँ पर कहा गया है जस्ट वन से देखो यहाँ पर कहा गया है कि परवलय है और परवलय क्या है यक्स स्क्वायर बराबर में वाई माइनस में थ्री यस इसका उस बिंदु का समीकरण ज्ञात कीजिए जो यज्ञ सच से पैतालीस अंश का कोण बना रहा हो ठीक देखो यज्ञ सच से पैतालीस अंश का कोण बना रहा है तो ये ही बहुत है यहाँ पर आपका जो बिंदु निकालने के लिए यहाँ पर सवाल में कहा गया ना कि परवलय का समीकरण तो दे दिया गया है लेकिन बिंदु नहीं डायरेक्टली दिया गया ठीक डायरेक्टली नहीं दिया गया लेकिन इनडायरेक्टली रूप से आपको हिंट दे दिए हैं कि भैया आपको निकालना है से है यक अच्छे से पैदल का कोड बना रहे हैं यही हिंट है और यहीं से आपको निकाल लेना है इनका बिंदु ठीक और उस बिंदु फिर हमें उस बिंदु पर फिर हमें अभिलम का समीकरण निकाल लेना है ठीक बहुत सिंपल से सवाल होते हैं ऐसे ऐसे सवालों को लगाना ना देखो कैसे होता है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा यक्स स्क्वायर बराबर में वाई माइनस में थ्री एक्स ये लिखा हुआ है अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका औकलन कर देना है अकलन करके हमें डिवाई बाई डी लाना ठीक हम लोग सिंपल से ऑकलन करेंगे हो जाएगा, टू एक्स और बराबर में वाई को हो जाएगा यहाँ पर डिवाई बाई डी हो जाएगा और माइनस में थ्री हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक तीन को हम लोग बराबर को उस पार भेज देंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा डीवाई बाई डी बराबर में टू प्लस में इधर थ्री हो जाएगा ठीक ये हमारा सिंपल सा आ गया डिवाई बाई डी ठीक अब यहाँ पर जो हमारा देखो सवाल में कहा जा रहा है कि इस प्रकार से मान लो ये यक्ष अच्छा है ठीक और इस यक्ष से मान लो यहाँ पर अः मान लो यहाँ पर यह हमारा टेंजेंट है और ये टेंजेंट यहाँ पर कह रहे हैं कि पैंतालीस अंश का कोण बना रहा है ठीक स्लोप है ठीक तो मतलब कहने स्लोप का मतलब होता है ढाल ढाल का मतलब होता है जो प्रवणता है <THE>? ठीक तो मान लो कि यहाँ पर यह हमारा अविलम्ब का प्रवणता है और ये यक्ष सच से यहाँ पर ये हमारा यक्ष अच्छ है और ये यक्ष सच से यहाँ पर पैंतालीस अंश का कोण बना रहा है सवाल में ये कहा जा रहा है ठीक तो यहाँ पर देखो थीटा वाला यहाँ यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है पैतालीस अंश है ठीक अब देखो जो डीवाई बाई डी एक्स होता है उसके स्थान पर हमारा क्या होता है यहाँ पर जो ढाल होता है मतलब जो ढाल होता है वो हमारा क्या होता है टेन थीटा होता है ठीक तो यहाँ पर अलग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अः देखो अविलंब का जो प्रवणता होता है अविलंब का प्रवणता तो अभिलंब का जो प्रवणता होता है वो कितना होता है तो अभिलंब का प्रवणता इसको हम लोग एम बोलते हैं ठीक जो है, माइनस का, तो का, का एक बटे में एम होता है ठीक तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा टेन पैंतालीस ढाल क्या होता है यहाँ पर जो हमारा अभिलंब का यहाँ पर देखो ये जो टेन थीटा है यहाँ पर जो हमारा अभिलंब है यहाँ पर जो हमारा प्रवणता है वो क्या है यहाँ पर थीटा में दिया गया है इसका इसका कोण दिया गया है इस वजह से यहाँ पर हम लोग इसके स्थान पर टैन थीटा यूज करेंगे ठीक तो माइनस एक बटा एम बराबर कितना हो जाएगा टेन पैंतालीस अंश हो जाएगा ठीक यहाँ पर हो जाएगा माइनस में एक बटा एम बराबर टेन पैंतालीस अंश का मान एक हो जाता है एम को तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाए एम बराबर माइनस का एक हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर हमें यानी कि ये हमारा एम बराबर है ना तो एम के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे माइनस एक रख देंगे ठीक माइनस एक रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टू एक्स प्लस में थ्री हो जाएगा तीन को उधर भेज देंगे हम लोग सिंपल से माइनस एक और माइनस तीन हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर जाएगा माइनस तीन एक चार हो जाएगा बराबर का टू एक्स हो जाएगा इससे कैंसिल कर देंगे तो दो हो जाएगा ठीक यानी सिंपल से आ गया हमारा यक्स बराबर में माइनस टू आ गया ठीक अब हम लोग यहाँ पर वाई का वैल्यू निकालेंगे जो हमारा समीकरण दिया गया ठीक वाई बराबर में थ्री माइनस यक्स हो जाएगा ठीक यहाँ पर एक्स का वैल्यू रखेंगे माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में वाई माइनस में थ्री हो जाएगा इंटू में यक्स के स्थान पर हम लोग माइनस टू रखेंगे ठीक दो दुना चार हो जाएगा बराबर में वाई माइनस में तीन दुनी छः हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तीन दुना छः हो जाएगा ठीक छः को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये चार माइनस में छह बराबर में वाई हो जाएगा तो वाई बराबर में आ जाएगा माइनस दो आ जाएगा ठीक इसमें से घटाएंगे तो माइनस दो आ जाएगा अब यहाँ पर देखो ये हमारा बिंदु क्या होता है हमारा जो बिंदु होता है यक्स कामा वाई होता है यक्स कामा वाई तो यक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया माइनस टू और वाई का वैल्यू भी माइनस टू आ गया ठीक अब हम लोग निकालेंगे इसी बिंदु पर बिंदु हमारा क्या है बिंदु माइनस टू का माइनस टू पर अविलंब का समीकरण निकालेंगे ठीक अविलंब का तो यहाँ पर जब समी ग, इसका समीकरण हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है वाई माइनस वाई वन बराबर माइनस एक बटा एम होता है और यक्स माइनस यक्स वन होता है ठीक माइनस एक बटा एम का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो माइनस एक बटा एम का वैल्यू क्या है यहाँ पर ओ, एक है तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे माइनस एक बटा एम के स्थान पर एक रख देंगे ठीक तो यक्स माइनस वाई वन का वैल्यू ये हमारा यक्स वन हो जाएगा और ये हमारा वाई वन हो जाएगा ठीक वाई वन का वैल्यू यहाँ पर माइनस का टू है ठीक बराबर में और यहाँ पर माइनस एक बटाइम का वैल्यू कितना है यहाँ पर एक है उसके बाद यक्स माइनस और यहाँ पर जो यक्स वन है हमारा वो भी कितना है माइनस का एक है ठीक तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा सिंपल सा प्लस तो ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में यक्स और प्लस में दो जाएगा ठीक ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनका चिन्ह भी बराबर है उनका वैल्यू भी बराबर है ठीक तो वाई बराबर में सिंपल से यक्स बचेगा ये आपका समीकरण हो जाएगा या इसी चीज को आप ऐसे भी ले सकते हो और यक्ष को उधर भेज दोगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस में उधर यक्स हो जाएगा ठीक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आई होप आप समझ गएंगे ठीक देखो कभी भी आप इस सवाल को सॉल्व करना तो यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर ध्यान देना ध्यान क्या देना आपको कि देखो माइनस एक बटा एम ये क्या हमारा अभिलम्ब का प्रवणता है और अभिलम्ब का प्रवणता यहाँ पर थीटा कितना दिया गया है पैंतालीस अंश दिया गया है ठीक तो इसके स्थान पर हम लोग यहाँ पर जो हमारा ढाल है वो कितना है टेन थीटा होता है ठीक अगर कोड दिया हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक बटाइम या अभिलम्ब का प्रणौरता है तो यहाँ पर इसके स्थान पर जाएगा टाइम पैतालीस और पैतालीस का माइनिंग uh, मतलब वैल्यू एक होता है ठीक तो माइनस एक बटाइम बराबर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा और यहाँ पर डिवाई बाई डी जो होता है ये हमारा एम होता है तो यहाँ से हम लोग तीन गुणा करके इसका एम का वैल्यू निकालेंगे और एम का वैल्यू हम लोग इस डीवाई बाई डी में रख देंगे तो हमें यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा पॉइंट मिल जाएगा उस पॉइंट पर उस बिंदु पर यानी फिर हमें अभिलम का समीकरण निकाल लेना ठीक बहुत सिंपल सवाल था आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर डेली तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं ठीक और आपको पूरा चित्रा प्रकाशन का सोल्यूशन मिलेगा और इसके बाद मैं आपको फिर बाला प्रकाशन बालाजी जो प्रकाशन की बुक है उसको भी पढ़ाऊंगा ठीक और बाकी जो आप लोगों के आपके आप लोगों के कॉलेज में या स्कूल में जहाँ भी लगते हो ठीक जो भी प्रकाशन का जो भी सोल्यूशन चाहिए जिस जिस भी बुक का चाहिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स बता देना मैं उन सब का सोल्यूशन आपको दे दूंगा ठीक तो उन सबको यानी सॉल्व करा दूंगा आई होप आप समझ गए होंगे चलिए फिर सवाल नंबर नौ का बी नंबर सवाल देखते हैं ठीक तो देखो ये हमारा सवाल नंबर नौ का बी नंबर सवाल है और यहाँ पे लिखा है कि यदि एक वक्र और यहाँ पे लिखा है कि यदि एक वक्र यक्ष की घात दो बटे में तीन प्लस में वाई की घात दो बटे में तीन बराबर ए का घात दो बटे में तीन का जो अभिलंब है वो यक्ष अच्छ से फाई कोण बनाता है तो सिद्ध कीजिए कि उसका जो समीकरण है वो वाई कॉस फाई माइनस में यक साइन फाइव बराबर में यक्स, यक्स टू फाइव है ठीक इस चीज को आपको यानी सिद्ध करना है ये जो आपका समीकरण दिया गया है ठीक इसको आपको सिद्ध करना है तो देखो ये बहुत सिंपल सा सवाल है अः यहाँ पर हम लोग करते क्या है देखो सबसे पहले इसका हम लोग औकलन करते हैं औकलन किसका करेंगे यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ये जो वक्र का समीकरण दिया गया है दो का घात तीन बटा और प्लस में वाई का घात दो बटा तीन और बराबर में एक का घात दो बटा तीन है ठीक इसका हम लोग सबसे पहले इसका औकलन करेंगे औकलन यहाँ पर करने से पहले तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बिंदु निकालना होगा उस पॉइंट पर फिर आपको अभिलम का समीकरण निकालना है ठीक और वो पॉइंट कैसे निकाला जाएगा वो यहाँ पर हिंट दे दिए हैं कि यज्ञ सच से फाई कोण बनाता है और यहाँ पर फाई कोण बनाता है तो ये इसका हिंट दे दिए ठीक यानी ताकि आप यहाँ पर कोण निकाल सको इसको इसलिए यहां पर कहा गया है यहाँ पर बता दिया गया है कि यज्ञ सच से फाई कोण बनाता है ताकि आप यहाँ पर जो जिस बिंदु पर हमें अभिलंब का प्रवणता निकालना है और यानी समीकरण निकालना है वो पॉइंट आप निकाल सको ठीक तो सबसे पहले हमें पॉइंट निकालना है उस पॉइंट को निकालने के बाद फिर हम लोग प्रवणता निकाल लेंगे इसका समीकरण निकाल लेंगे ठीक आसानी से और समीकरण हमें इतना लेकर आना है अगर इतना आ गया तो हमारा सिद्ध हो जाएगा ठीक बहुत सिंपल सवाल है आई थिंक आप समझ गए होंगे इतनी बात अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका औकलन करते हैं औकलन कैसे करेंगे औकलन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इसका जो घात है वो आगे आ जाएगा तो दो बटा तीन हो जाएगा और इसके घात में से देखो यहाँ पर इसको हम लोग घटा देते दो बटा तीन माइनस वन करेंगे क्योंकि देखो जो घात होता है अवकलन करते समय वो आ जाता है और उसमें से एक एक घटा दिया जाता है घात में से ठीक घटाएंगे तो पर तीन का तीन हो जाएगा तो दो माइनस तीन बटे में तीन हो जाएगा और दो में से तीन घटाएंगे तो माइनस का एक आ जाएगा ठीक और बटे में तीन हो जाएगा यानी कि इसका जो घात घात हो जाएगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो जस्ट वन सेकेंड इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ठीक देखो यहां पर जो घात है हमारा वो कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक बटे में तीन हो जाएगा और प्लस में इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा दो बटा तीन आगे आ गया जाएगा वाई घात माइनस एक बटा तीन हो जाएगा और ये वाई है इसलिए डीवाई बाई डी एक्स एड हो जाएगा ठीक बराबर में ये ये क्या है कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा और सिंपल हम लोग यहाँ पर जो हमारा लिखा है दो बटे में तीन यक्स वाला जो इसको हम लोग इधर भेज देते हैं ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा दो बटा तीन वाई का घात माइनस एक बटा है और डीवाई बाई डी एक्स है दो बटा तीन कैंसिल तो यहाँ पर देखो जो आपका है वाई का घात माइनस एक बटा तीन गुणा में इसको भेज देते हैं बराबर के उस पार तो भाग में जाएगा क्यों उधर भेजेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल हमारा घात माइनस में एक्स का घात माइनस एक बटा तीन और बटे में हो जाएगा यहां पर वाई घात माइनस एक बटा तीन ठीक अब देखो दोनों का घात सेम है जब घात सेम है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अब इसका घात क्या है माइनस में है माइनस में है तो इसको प्लस में इसका घात बनाने के लिए हमें क्या करना है इसको पलट देना है अब जब पलट देंगे हम लोग इसको तो यहाँ पर इसका घात क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बटे में स हो जाएगा और इसका घात हो जाएगा प्लस का एक बटा तीन हो जाएगा ठीक और यहां पर जो आगे माइनस लगा है इसको लगा देना है, ठीक तो ये आगे हमारे डिवाई बाई डी एक्स अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है अभिलंब का प्रवणता तो यहाँ पर हो जाएगा अभिलंब का प्रवणता ठीक देखो जैसे इसके पहले वाले सवाल में लगा सेम तरीका आपको इसमें भी लगाना है तो यहां पर क्या है इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो प्रवणता हमारा देखो इस सवाल में फाई कोण दिया गया है और उस सवाल में यानी कि ये हमारा है और इस तरह की से हमारा प्रवणता हो गया ये इसका कोण जो से बना रहा है वो फाई कोण बना रहा है ठीक तो और इसके पहले वाले सवाल में क्या था पैतालीस था तो इसमें क्या दिया है फाइव दिया गया ठीक तो यहाँ पर हमें जो प्रवण ये हमारा क्या है एम का वैल्यू डीवाई बाई डी एक्स होता है वो हमारा एम का वैल्यू होता है ठीक तो हमारा यहाँ पर हो जाता हो जाता है माइनस का एक बटा एम और यहाँ पर एक बटा माइनस का एक बटे में एम M के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा बटे में यक्ष का घात हो 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 जाएगा 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 ठीक ये माइनस माइनस से, से प्लस हो जाएगा. अब देखो आ, क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे पलट देंगे ठीक पलटेंगे क्यों क्यों पलटेंगे क्योंकि यहाँ पर जब बटा के नीचे बटा हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है ठीक यानी हम पलट देते हैं उसको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो जस्ट वन सेकेंड तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये जब प्लट देंगे तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा ऊपर हो जाएगा वाई नीचे हो जाएगा तो यक्स बटे में का घात एक बटा तीन हो जाएगा ठीक तो ये आ गया हमारा माइनस एक बटा एम आ गया अब यहाँ पर हमें करना क्या है तो यहाँ पर देखो चूंकि यहाँ पर जो आपका कोड दिया गया है इसलिए हम लोग माइनस एक बटा एम के स्थान पर जैसे उस सवाल में इसके पहले वाले सवाल में हम लोगों ने टेन अंश रख दिया था उसी तरीके से माइनस एक बटा एम ये क्या है हमारा प्रवणता जो होता है वो क्या होता है हमारा ढाल होता है ठीक

तो आप सबसे पहले इसके जो सवाल नंबर नौ का ए नंबर सवाल है उसको सबसे पहले ध्यान से समझ लो तो इसके पहले वाले सवाल को आप समझ लो उसको आप समझ जाओगे तो तो इसको समझ जाओगे ठीक तो, क्योंकि दोनों सेम ही तरीके से सवाल लगने हैं तो यहाँ पर हमारा आ गया टेन फाइव बराबर में टेन फाइव बराबर में यहाँ पर आ गया यक्स बटे में वाई जैसकरण इसको देख लेते हैं तो यक्स बटे में वाई है तो यक्स बटे में वाई का घात हो जाएगा एक बटा तीन हो जाएगा ठीक देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब यहाँ पर हम लोग सिंपल सा देखो यहाँ पर एक बटा तीन जो घात है यहाँ पर दोनों पक्षों को हम लोग क्यूब कर देंगे ठीक तो यानी कि दोनों पक्षों में यहाँ पर इसका घन करने पर आप लिख सकते हो यहाँ पर घन करने पर ठीक तो यहाँ पर लिखेंगे घन करने पर तो हम लोग अगर यहाँ पर घन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें क्यूब लग जाएगा और इसमें भी हमारा यक्स बटे में वाई इसका क्यूब लग जाएगा तो एक बटा तीन और इसमें तीन लगेगा तो तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारा टेन क्यूब फाइव हो गया और बराबर में इधर हो गया हमारा यक्ष बटे में सिर्फ वाई बचा ठीक अब हम लोग क्या करेंगे को टैन, आ, टैन के स्थान पर रख देंगे और टेन क्यूब को हम लोग वाई के स्थान पर रख देंगे ठीक मतलब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर यक्स बटे में हो जाएगा हमारा आ, यहां पर टेन का पावर थ्री क्यूब हो जाएगा थीक? मतलब और बटे में यहाँ पर देखो तो एक बटा टेन टेन का मतलब होता है कॉट होता है ठीक ये सिंपल सा बन जाएगा हमारा यक्स कॉट क्यूब फाइव बन जाएगा ठीक तो यानी कि वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारा यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि वाई का वैल्यू आ गया हमारा यक्सॉट क्यू फाइ आ गया ठीक अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर जो वाई का वैल्यू है इस y के वैल्यू को हम लोग यानी कि जो वक्र का समीकरण दिया गया है उसमें रख देंगे ठीक तो यानी कि वक्र का समीकरण हमारा जो दिया गया है जस्ट सेकंड देखो ये समीकरण हमारा दिया गया है वक्र का समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं वक्र का समीकरण तो यहाँ पर वक्र का समीकरण से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यक्स का घात दो बटा तीन है और प्लस में वाई का घात दो बटा तीन है और बराबर में एक आघात दो बटा तीन है ठीक तो हम लोग यहाँ पर यक्स के स्थान पर इसको ही लिखे रहने देंगे और प्लस में वाई के स्थान पर जहां पर वाई है वहां पर हम लोग सिंपल से क्या लिखेंगे यक्स कॉट क्यू फाई लिखेंगे और इसका घात कितना है दो बटा तीन है दो बटा तीन लिख देंगे ठीक बराबर में एक का घात दो बटा तीन हो जाएगा अब यहाँ पर दो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसका घात इसमें गुणा करेंगे यक्ष में तो इसका घात कितना हो जाएगा तो जाएगा दो बटा तीन और प्लस में यहाँ भी यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा दो बटा तीन और यहाँ पर कॉट क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है फाइव लिखा हुआ है और इसमें हम लोग इसमें भी हम लोग दो बटा तीन से गुणा कर देंगे तो अब यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा दो बटा तीन ठीक ये तीन से तीन इधर कैंसिल हो जाएगा और फिर यहां पर बचेगा देखो दोनों में यक्ष का घात दो बटा तीन जो है ये कामा है तो हम लोग यहाँ पर कामा ले लेंगे यक्ष का घात दो बटा तीन ठीक तो यहाँ पर सिर्फ इसके स्थान पर एक बचेगा और प्लस में ये तो कामा ले लिया यहाँ पर बचा सिर्फ हमारा कॉट और यहाँ पर ये यह दो यहाँ तीन से तीन कैंसिल हो गया तो यहाँ पर टू बचा ठीक स्क्वायर हो जाएगा ठीक यहाँ पर बराबर हो जाएगा एक का घात दो बटा तीन हो गया अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सिंपल से हमारा आ गया दो बटा तीन और वन प्लस में आ गया हमारा कॉट स्क्वायर फाइव बराबर में एक आघात दो बटा तीन हो गया ठीक अब देखो चूंकि हमें पता है कि हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है कॉशेक स्क्वायर फाइव माइनस में कॉट स्क्वायर फाइव बराबर में एक होता है ठीक अब हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे यहाँ पर देखो माइनस कॉट क्या है ये सूत्र होता है आप लोग आई थिंक आप लोगों को ये पता होगा ठीक कॉट को हम लोग उधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बन जाएगा हमारा कॉशिक स्क्वायर फाइव बराबर में वन और इधर माइनस में था उधर आ जाएगा प्लस में तो कॉट स्क्वायर फाइव बन जाएगा ठीक वन तो प्लस में आप सिंपल तो तो सा कौशिक स्क्वायर तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा ये बन जाएगा हमारा कौशिक स्क्वायर फाइव बन जाएगा बराबर में एक का घात दो बटा तीन ठीक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो ये गुड़ा में है इधर आ जाएगा भाग में तो यहां पर हो जाएगा बटे में, इतना में बन आप देखो, कि थीटा थीन थीन? एक बटे में साइन थीटा होता है तो हम लोग यहाँ पर इसके स्थान पर एक बटा साइन थीटा रख देंगे ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स का घात दो बटा हो जाएगा बराबर में ए का घात दो बटा है और यहाँ पर हो जाएगा देखो यहाँ पर ये यह हो जाएगा हमारा ए बटे में एक बटे में साइन हो जाएगा तो बटा के नीचे बटा हो जाता है पलट जाता है तो साइन सबसे ऊपर हो जाएगा यह बन जाएगा हमारा ए थीटा बन जाता है ठीक तो यहाँ पर इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा जस्ट वन सेकंड इसको थोड़ा से मिटा दे तो यहाँ पर, तो पर क्या हो जाएगा हमारा तो जस्ट वन सेकंड देखो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर फाइव बन जाएगा ठीक क्योंकि कॉशिक स्क्वायर को हम लोग ऊपर करेंगे तो साइन बन जाएगा ठीक तो यहाँ पर सिंपल्स हो गया अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका घात दो बटा तीन है अब इसका घात दो बटा तीन है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों में इनका जो घात है वो आ, हम लोग भाग करेंगे दोनों पक्षों में घात जो घात में हम लोग यहाँ पर आ, तीन बटा दो से यानी कि गुणा कर देंगे ठीक दोनों तरफ तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे तीन बटा दो से गुणा कर देंगे इनके घात में ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा देखो यहाँ पर हमारा है दो बटा तीन है और गुणा हमने किया तीन बटा दो से तो यहां पर इससे कैंसिल हो गया इससे कैंसिल हो गया तो सिंपल इधर यक्स बचेगा बराबर में इधर हो जाएगा इन दोनों में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो का घात है और यहां पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन बटा दो हो जाएगा ठीक और इसके बाद यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा और इसमें भी हम लोग तीन बटा दो से मल्टीप्लाई कर दिए तो दो से दो कैंसिल हो गया इधर दो से दो कैंसिल हो गया तीन से तीन कैंसिल हो गया ठीक यानी कि यक्स बराबर हमारा बचा ए और इधर बचा हमारा साइन और यहाँ पर देखो क्यूब आ गया ना मतलब तीन बचा तो क्यूब हो गया और यहां पर फाइव हो गया ठीक यानी यक्स का वैल्यू आ गया हमारा ए साइन क्यूब फाइव आ गया अब हम लोग क्या करेंगे वाई बराबर हमारा क्या था वाई बराबर था यक्स और उसके बाद जस्ट सेकंड जैसो क्यूब था ठीक तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे था ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा वाई और वाई के स्थान पर यहाँ पर यक्स का वैल्यू हम लोग रख देंगे ठीक तो यक्स के स्थान पर हमारा आ गया ए साइन क्यूब फाइव आ गया ठीक इंटू में हम लोग लिख सकते हैं कॉस यानी क्यूब लगा लगा तो देंगे बटे में ठीक तो, तो, तो यहाँ पर जो हमारा बिंद हो जाएगा अतः हमारा जो बिंद हो जाएगा बिंदु हमारा क्या होता है वाई होता है तो हमारे पास कितना आ गया ये आ गया ए साइन क्यूब फाइव आ गया और वाई हमारे पास कितना आ गया ये आ गया एस क्यू फाइ आ गया ठीक तो ये हमारा बिंदु हमें मिल गया अब इस बिंदु पर हमें क्या करना है अभिलंब का समीकरण निकालना है आई होप आप समझ गए होंगे देखो सवाल ना बड़ा है ना छोटा है यहाँ पर आपको ये देखकर बहुत लोग क्या होते हैं ना सवाल देख लेते हैं बहुत बड़ा है उनका मन नहीं लगता यार इसको कैसे सॉल्व करें क्या करें ठीक मजा नहीं आता ना लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि बहुत लोग सोचते हैं कितना बड़ा सवाल हम कैसे लगाएंगे सब कुछ हो जाता है ठीक देखो कैसे करना है बस इतना याद रखो, आपका होना चाहिए कि आपको करना क्या है ठीक बस टारगेट फिट होना चाहिए पहले इसका यहाँ पर क्या करना है आ, इसका यहाँ पर डिवाइड बाई डी निकालना है मतलब कि हमें यहाँ पर डिवाइड बाई डी निकाल के और जो यहाँ पर हिंट दिया गया था ये फाइकोड बनाता है इस हिंट के हिसाब से इस हिंट को हम लोग लगा के यहाँ पर इसका औकलन करके सबसे पहले एक बिंदु निकालेंगे फिर उस बिंदु पर हम लोग अभिलम का समीकरण निकालेंगे तो हमने यही किया सबसे पहले इसका औकलन कर दिया आकलन करने के बाद जो टैन फाइव रखा है तो यहाँ पर जो प्रवणता हमारा है वो क्या होता है अगर कोण दिया गया हो तो टैन फाइव जाता है ठीक तो यानी कि टैन टैन थीटा होता है और जो जो कोण दिया होता है जैसे यहाँ पर कोण हमारा फाइव दिया तो फाइव लिख दिया ठीक तो ऐसे हम लोगों ने किया यहाँ पर और करके यहाँ पर सबसे पहले एक बिंदु निकाला अब बिंदु हमें पता चल गया अब हम लोग इस बिंदु पर क्या करेंगे इस बिंदु पर हम लोग निकालेंगे सिंपल सा आ, बिंदु बिंदु हमारा क्या है ए साइन क्यूब फाइव है और कामा में ए कॉस क्यू फाइव है इस पर निकालेंगे पहले अभिलंब का प्रवणता जो क्या ठीक अभिलंब तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इस पर मतलब अभिलंब का प्रवणता निकाल लेंगे ठीक तो प्रवणता तो प्रवणता जो हमारा देखो यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम देखो यहाँ पर लिखा था हमारा माइनस एक बटे में एम माइनस एक बटा में एम बराबर में यहाँ पर हमारा क्या था ये यक्स बटे में वाई और एक बटे में थ्री था ठीक हम लोग इसी को सिंपल से यहाँ पर लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्रवणता यानी माइनस एक बटा एम बराबर में था यक्स बटे में वाई और इसका घात एक बटा तीन था ठीक तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे का वैल्यू रखेंगे तो के स्थान पर क्या है हमारा ए, साइन, है और बटे में यहाँ पर नीचे है और इन सबका घात एक बटा तीन है ठीक तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल से यहाँ पर हो जाएगा माइनस में एक बटा एम बराबर में आ, साइन क्यूब से यहाँ पर साइन क्यूब है और यहाँ पर घात एक बटा तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा और नीचे इसमें भी जो यहाँ पर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बोटा तीन जिघात से तो तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा इधर तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल सा बचेगा हमारा फिर साइन फाइव बचेगा बटे में नीचे आ जाएगा हमारा कॉस फाइव आ जाएगा ठीक तो ये हमारा प्रवणता आ गया अब हम लोग इसी बिंदु पर जो हमारा बिंदु दिया गया है बिंदु क्या है एक साइन क्यूब फाइव है और कामा में एक कॉस क्यूब फाइव है इस बिंदु पर हम लोग निकालेंगे अविलंब का समीकरण ठीक तो यहां पर निकालेंगे अभिलंब का समीकरण तो यहां पर क्या हो जाएगा ये हमारा होता है वाई माइनस वाई वन बराबर एक बटा एम और तो यस माइनस हो जाएगा XY की वैल्यू यहां पर जो हमारा पॉइंट दिया है ठीक पॉइंट हमारा क्या है ये हमारा यक्स वन है ये हमारा वाई वन है ठीक तो यहां पर हो जाएगा वाई माइनस वाई वन की वैल्यू यहां पर क्या है ए कॉस क्यूब फाइव है और बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक बटाइम के आपको रख देंगे यहाँ पर यहाँ पर जाएगा हमारा वाई कॉस फाइव हो जाएगा माइनस में इसमें गुणा करेंगे तो ये कॉस का पावर तीन है एक चार हो जाएगा ठीक क्योंकि ये एक और यहाँ गुणा हो जाएगा यहाँ बराबर में जाएगा इधर इसमें गुणा करेंगे तो यक्स साइन फाइव हो जाएगा और माइनस में इसमें गुणा करेंगे तो ए साइन का पावर यहाँ पर फोर फाइव हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो ये दोनों माइनस में है इसको इधर हम भेज देंगे और यक्स वाला यक्स जो है इसको हम लोग वाई की तरफ भेज देंगे ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा वाई कॉस फाइव और उसके बाद माइनस में लिखा हुआ है ए कॉस क्यूब मतलब घात फोर बराबर में और इधर लिखा है हमारा यक्स कॉस फाइव माइनस में ए साइन इस साइन का पावर फोर फाइव लिखा ठीक इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई कॉस फाइव और माइनस uh, में हो जाएगा यक्स कॉस फाइव हो जाएगा और सॉरी यहाँ पर साइन फाइव है ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन यक्स साइन फाइव तो यक्स जस्ट ट्रांस इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं फिर उसको आ लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स साइन फाइव हो जाएगा और बराबर में इधर हो जाएगा हमारा देखो ये माइनस में था उधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा ठीक तो जाएगा ए कॉस का पावर फोर फाइव और माइनस में ए साइन का पावर फोर फाइव ये पहले से था ठीक तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां दोनों में ए है ना तो एक आमा ले लेंगे अब यहाँ पर अंदर बचेगा कॉस का पावर फोर बचेगा ठीक जब कॉस का पावर फोर बचेगा तो इसका जो घात है इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं इसका घात दो बना देंगे और दो दो का बना देंगे ठीक क्योंकि तो दोनों देखो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे दो दुनिया चार हो जाएगा तो चाहे आप कॉस के पावर फोर को आप स्क्वायर स्क्वायर करके लिख सकते हैं ठीक माइनस में यहाँ पर भी साइन में भी यही करना है स्क्वायर स्क्वायर करके लिख देना है ठीक तो अब देखो यहाँ पर यह बन जाएगा हमारा सूत्र बन जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रेकेट में ए प्लस बी भी ठीक एक बार घट जाता है एक बार जुड़ जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक इस ब्रेकेट में हम लोग यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर इसको A2 A B तो ए स्क्वायर ए बी मान लो ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा इस बार देखो हमने यहाँ पर इसको घटा दिया ये घट गया और दूसरे ब्रेकेट में इसको हम लोग जोड़ देंगे ठीक तो यानी ए प्लस बी बन जाएगा ये आ, तो यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर फाइव बन जाएगा तो देखो साइन स्क्वायर फाइव प्लस में कॉस स्क्वायर फाइव बराबर एक होता है सूत्र आप लोग आप लोग जानते होंगे क्योंकि सूत्र क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो या फाइव हो प्लस में कॉस स्क् थीटा हो या फाइव हो बराबर एक होता है ठीक अब यहाँ पर सिंपल हो जाएगा और यहाँ पर ये जो सूत्र होता है हमारा कॉस टू थीटा बराबर जो सूत्र होता है हमारा वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में आ, साइन स्क्वायर थीटा होता है ठीक तो ये सूत्र होता है हमारा तो इसके स्थान पर हम लोग सिंपल से लिख देंगे कॉस टू और यहाँ पर थीटा के स्थान पर फाइव तो फाइव लिख देंगे ठीक और इसके स्थान पर एक होता है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है ठीक तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया वाई कॉस फाइव हो गया माइनस में यक्स साइन फाइव हो गया और बराबर में आ गया हमारा ए कॉस टू फाइव हो गया ठीक यही चीज हमें सिद्ध करना था तो ये हमारा सिद्ध हो गया आई होप आप समझ गए होंगे अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना जिससे मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको फिर समझा दूंगा ठीक और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं सो so, अब चलते हैं मिलेंगे इसके अगले वीडियो में अब अगले वीडियो में आपको हम इसके आगे जो सवाल है वो आपको हम अगले वीडियो बता देंगे ठीक तो so, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें सो so, चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन नेक्स्ट वीडियो